नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं UFT लाइव टीवी। देश में 14 से 20 नवंबर के मध्य अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष 69वें सहकारिता सप्ताह का विषय सहकारिता का विकास एवं भविष्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकारिता क्षेत्र के अग्रणी संगठन सहकार भारती ने जनपद की रक्षा सहकारी समिति ली के परिसर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकारिता क्षेत्र के अग्रणी संगठन सहकार भारती ने जनपद की रक्षा सहकारी समिति ली के परिसर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में केंद्रीय भंडारागर निगम भारत सरकार के निदेशक अरुण कुमार लोधी, सहकार भारती उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रवीण सिंह जाधव, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश संरक्षक राम लखन भार्गव, इफको के क्षेत्रीय अधिकारी जितेंद्र सिंह ने भारत माता एवं सहकार भारती के संस्थापक लक्ष्मण राव इनामदार के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। सहकार भारती इस दिशा में सहकारी समितियों को जोड़कर कार्य कर रही है। सहकारी समितियां किसान का आर्थिक उन्नयन कर सकती हैं। महिलाओं को सहकारिता आंदोलन में आगे आना चाहिए। सहकारिता संगोष्ठी के मुख्य वक्ता सहकार भारती उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रवीण सिंह जाधव ने कहा कि सहकारिता की वृद्धि शुद्धि समृद्धि के लिए सहकार भारती देश के सभी जनपद में सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं का गठन हो, जैसे औद्योगिक रेशम दुग्ध मत्स्य उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से प्रधानमंत्री का लक्ष्य सहकारिता से समृद्धि की ओर जल्दी पूरा होगा। सहकार भारती के विभाग संयोजक संदीप सरावगी ने कहा कि सहकार भारती ने झांसी विभाग के सर्वाधिक सदस्य बनाए हैं। सहकारिता क्षेत्र में सहकार भारती नई सहकारी समितियों का गठन कर रही है। रक्षा ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह राजपूत, SHG प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक गीता त्रिपाठी, संगठन प्रमुख झांसी संजय पहाड़िया ने अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी का संचालन सहकार भारती के उपाध्यक्ष दिनेश जोशी ने किया। आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित महामंत्री उदय सोनी ने किया। समाज सेवी शब्द इसलिए रखा हुआ है कि धनवर हमारे यहाँ सिर्फ समाज सेवा ही होती है। किसी बेटी के माँ बाप नहीं है, किसी बेटी की शादी होना है, किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई करना है या किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था खराब हो तो उसकी पूर्ति एसन टावर जोकन बाग में संघ सेवा समिति के रूप में हम करते हैं। इस सेवा को देखते हुए हमारे प्रेमीन भाई साहब ने, हमारे पापा जी, आप लोगों के आशीर्वाद से सहकार भारती भी, चूंकि यही उद्देश्य दूसरों की सहायता करना, इसलिए सहकार भारती में परिवार के रूप में मैं आपके बीच में रहा हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं सब लोगों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे दिया है कि आप यह काम करें। और भविष्य में भी जिस तरह से भाई साहब समझा रहे थे या हमारे प्रेमी साहब समझाते हैं तो वास्तविकता में यहाँ के किसान जो सुई कम दिख रहे हैं, कायदे से तो इतने होने चाहिए कि सबकी समझ में आ जाए कि हमें देश के उद्धार के लिए क्या करना है, सहकार भारती में कैसे जुड़ना और कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ ये कहा गया है कि बिना संस्कार नहीं सहकार और बिना सहकार नहीं उत्पाद, ये हम लोगों का नियम ही है, नारा है हम लोगों का। इसलिए अगर आप लोग वास्तविकता में साथ देना चाहते हैं तो इस चीज को अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये बहुत समय सब लोगों का एकजुट होने का बहुत कम समय पर मिलता है। और हमारे योग छोटे भाई जी हैं, अगर भविष्य में लगे आप लोगों को चीज समझ में नहीं आ रही तो आप इनसे समझ सकते हैं। हमारे संजय पहाड़िया जी हैं, हमारे राय साहब हैं, जो आपको घर पे बैठ के, क्योंकि आपको मीटिंग है, लेकिन घर पे बैठ के भी जो आपको एक एक चीज से हूबहू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव टीवी।